गुड आफ्टरनून ऑल. सीपी कोटक मेमोरियल प्राइमरी स्कूल वेलकम्स यू. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 6. सो चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके सो इंट्रोडक्शन. लेट्स सी फर्स्ट द इंट्रोडक्शन. फूड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. As you have already learned in the previous chapter, the food of human beings mainly sourced from plants and animals. Okay, जैसे कि आपको पता ही है कि food जो है वो very essential है. Your living organism के survival के लिए food is very essential. Okay, you all know that. Now, as we have already studied that food of human beings is mainly sourced. फूड के मेनली टू सोर्सेज हैं. वन इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स. ये मेन टू सोर्सेज में से ही फूड मिलता है ह्यूमन बींग्स को. सो वाई डू वी ईट अ वैराइटी ऑफ फूड एवरी डे. आपको ऐसे क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हम लोग फूड में वैराइटीज क्यों खाते. ओके फूड की इतनी सारी वैराइटीज क्यों हैं. बिकॉज different food items contain different nutrients. okay different food items mein different nutrients hote hain. theek hai. chemical substances present in the food that provide energy and are essential for growth and repair of the body are called components of food or nutrients. okay food mein kya hote hain. chemical substances hote hain. okay aur un chemical substances mein se wo jo hain chemical substances wo kya provide karte hain. energy provide karte hain aur वो हमारी ग्रोथ और बॉडी रिपेयरिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें किस में से मिलते हैं. फूड में से. ओके सो बाय ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड द बॉडी इज एबल टू गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन अ करेक्ट अमाउंट. ओके सो अगर हम मोस्टली वैरायटी लेंगे फूड की तो हमें मोस्टली सब टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में हमें मिल जाएंगे. इसीलिए वैरायटी ऑफ फूड इज नेसेसरी. सो हियर यू आर सीइंग अ पिक्चर ऑफ वैराइटी ऑफ फूड. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे फूड की वैराइटीज हैं. ओके कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर ग्रुप इन टू फॉलोइंग क्लासेस. ओके फूड के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ये सारे क्या है फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं. ओके ये सारी चीज़ें आपको फूड में से मिलती हैं. Besides adequate quantities of these nutrients, our body also needs water and roughage. ओके और इन सब चीज़ों के अलावा हमारे बॉडी को क्या चाहिए. वाटर एंड रफेज. लेट अस अंडरस्टैंड ईच दिस क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल. ओके इस चैप्टर में हम क्या करेंगे. ये जो कंपोनेंट्स हैं ठीक है फूड के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल. ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ओके सो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. Our meal usually include food items prepared from the cereals. Cereals are rich in carbohydrate. आपको पता ही है कि हमारे food item में हम cereals तो include करते ही हैं और cereals are rich in carbohydrates. Carbohydrates are the organic compounds made of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are present in food in the form of starch and sugar. Okay. जैसे कि आपको पता ही है कि carbohydrates जो हैं वो organic compounds हैं. Okay. और वो किससे बने हुए होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तीनों चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए होते हैं. ओके और कार्बोहाइड्रेट फूड में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर. ओके स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर. ठीक है स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ओके और वेरियस टाइप्स के शुगर हैं. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज. सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है. ग्लूकोज. इट कैन बी ईजिली यूटिलाइज बाई बॉडी टू रिलीज एनर्जी. ग्लूकोज जो है ना वो ईजिली यूटिलाइज मतलब यूज हो जाता है. ठीक है और एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है नाउ द बॉडी कन्वर्ट्स एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटू फैट्स एंड स्टोर इट फॉर अ फ्यूचर यूज. अभी क्या होता है कि जो बॉडी में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है ना ज़्यादा अमाउंट में वो क्या होता है फैट्स एज अ फैट्स स्टोर हो जाता है. ठीक है अगर आप आगे जाके खाना नहीं खाते हो ठीक है तो जो यूज जो स्टोर हुआ होता है ठीक है कार्बोहाइड्रेट वो आपको फ्यूचर में आगे काम आता है. ओके सो फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का. कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अबाउट
किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी के लिए बहुत ही मेन सोर्स है, ठीक है। हमें जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, सो सोर्सेज क्या हैं? राइस, व्हीट, मेस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, शुगर केन, बनाना, पपैया एंड मैंगो आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, राइस है, व्हीट है, मेज है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और ये आपको रेगुलरली कंज्यूम करना ही चाहिए बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। सो टुडेज टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।